अगर अचानक कोई भी गेस्ट आ जाए और घर में कोई भी नमकीन बिस्किट वगैरह कुछ भी ना हो तो आप आसानी से सिर्फ चार आलू से ये टेस्टी रेसिपी बना के आप इंजॉय कर सकते हैं और वो गेस्ट भी खाने के बाद आपका तारीफ़ करते थकेंगे नहीं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ, टेस्टी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 4 से 5 मीडियम साइज़ का आलू ले ली हूँ। अगर आपके पास बड़े साइज़ का है तो बड़े साइज़ का ले लें, उससे काफ़ी लच्छेदार बन के रेडी होगा। बट मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ का ले ली हूँ और मैं इस आलू को छील के वॉश कर ली हूँ। वॉश करने के बाद मैं इसे जो चिप्स कटर होता है ना उससे मैं कटिंग कर ली हूँ। अगर आपके पास चिप्स कटर नहीं है तो आप नाइफ की मदद से कटिंग कर सकते हैं, पतले पतले स्लाइस में उसे कटिंग कर ले, उसके बाद इसे छोटे छोटे पीसेज में कटिंग कर ले। तो आप देख सकते हैं कि मैं चिप्स कटर से इसे कट करी हूँ। इससे ना बहुत ज़्यादा पतला पतला ये कटता है और इतना पतला ये नाइफ से नहीं कट पाता है, इसलिए मैं ये चिप्स कटर से कट करी हूँ। लेकिन आप अपने हिसाब से कट कर ले, जो सुविधा है आप उसी से कटिंग करें, अगर नहीं है तो आप नाइफ की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये चॉपर बोर्ड ले ली हूँ और चॉपर बोर्ड पे मैं थोड़ा सा फैला दी हूँ ये सारे चिप्स को और इसे मैं छोटे छोटे स्लाइस में कटिंग कर ले रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से जितना ये पतला हो सके उतना पतला इसे कटिंग करना है। ये आसानी से कट जाता है, इसमें बिल्कुल भी मतलब कोई भी टेंशन नहीं है, ये बहुत ही आराम से कट जाता है नाइफ से। ये देखिए, आप कितना भी ले सकते हैं एक बार में, कम या ज़्यादा, जितना ज़्यादा ले उतना आसानी से कट के रेडी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसे पतले पतले स्लाइस में मैं कटिंग कर ली हूँ। या फिर अगर आपको इस तरीके से नाइफ़ की मदद से नहीं कट करना है तो जो चिप्स कटर है आप उसमें भी आसानी से इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो सुविधा है आप उस तरीके से इसे कटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसी तरीके से सारे आलू को कटिंग कर ले रही हूँ और ये लीजिए, सारे आलू को मैं कट करके रेडी कर ली हूँ। और मैं ले ली हूँ एक बाउल और बाउल में थोड़ा सा ठंडा पानी रख ली हूँ और इस पानी में सारे आलू को कट करके मैं रख दे रही हूँ और इसे 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश कर लूँगी ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा डस्ट होगा वो सारा बाहर आ जाए। तो मैं इसे छान के रख ले रही हूँ दूसरे प्लेट में और वापस से इसी बाउल में मैं रख लूँगी। तो यहाँ पर 2 से 3 पानी मैं अच्छे से इसे वॉश कर ली हूँ और ये लास्ट भी मैं अच्छे से इसका पानी निचोड़ के हटा देना है। इस आलू का सारा पानी मैं हटा दी हूँ और साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के बराबर कॉर्न स्टार्च और 1/2 बाउल यहाँ पे ऐड कर रही हूँ बेसन। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी बनाना है तो बेसन ऐड ना करें, इसमें बस कॉर्न स्टार्च ही ऐड करें। और साथ में इसमें 2 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ कटा हुआ और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करूँगी और 1 चुटकी के बराबर इसमें ऐड करूँगी यहाँ पर अजवाइन। इसमें अजवाइन ज़रूर से ऐड कीजिए क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी होता है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ, बस 1 चुटकी के बराबर अजवाइन क्रश करके ऐड करी हूँ और साथ में 1/2 टेबल स्पून ऐड करी हूँ चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेना है इस बेसन को। ध्यान रखना है कि ये जो आलू है ना इसमें का सारा पानी अच्छे से निचोड़ लेना है, लेकिन मैं इसे अच्छे से नहीं निचोड़ी, इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसमें कितना पानी रह गया है। इसमें थोड़ा इस मतलब हल्का पानी था, थोड़ा सा गीला गीला आलू था, लेकिन ये मैं इसे रेस्ट पे रखूंगी, ये फिर ज़्यादा पानी हो जाता है, छूट जाता है इसमें से पानी। तो यहाँ पे मैं सारे मिक्स कर ली हूँ, मसाला वगैरह जो भी मैं ऐड करी थी, और मिक्स करने के लिए 3 से 4 मिनट के लिए इसे ढक के रख दे रही हूँ, सेट हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और ये लीजिए, 3 से 4 मिनट कम्प्लीट हो गया है और मैं इसका ढक्कन हटा के दिखा रही हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा छूट गया है। तो मैं इसमें थोड़ा सा और कॉर्न स्टार्च ऐड कर दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं, बस 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और अच्छे से मतलब सेट हो जाए। और ये हो गया है अच्छे से सेट, तो मैं इसे साइड में रख दे रही हूँ जब तक मैं आगे की प्रोसेस चालू रखती हूँ। तो मैं यहाँ पर ले ली हूँ एक पैन और पैन में रख ली हूँ रिफाइंड ऑयल, अगर आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। और ये रिफाइंड ऑयल 3 से 4 मिनट पहले ही रख दी थी ताकि अच्छे से गर्म हो जाए और ये काफ़ी गर्म हो गया है ऑयल। तो मैं यहाँ पे एक एक करके पोटैटो बॉल ऐड कर दे रही हूँ और इसे डीप फ्राई कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे जितना बड़ा आपको जो साइज़ रखना है, बड़ा या छोटा, आप अपने हिसाब से ऐड कर ले। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ का बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ना ही ज़्यादा छोटा है, तो आप अपने हिसाब से देख ले जिस हिसाब से रखना है। तो यहाँ पर सारे मैं पोटैटो को कर दी हूँ इसमें ऐड और इसे मैं करीबन 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे डीप फ्राई कर ले रही हूँ।
कि इसमें कॉर्न स्टार्च है, कॉर्न स्टार्च से इसमें बहुत जल्दी कलर नहीं आता है और ना ही जल्दी जलने देता है, क्योंकि ये ना क्रिस्पी करता है चीज़ों को। तो मैं यहाँ पे इसे क्रिस्पी करना है तो मैं इसे हाई फ्लेम पे ही पका ले रही हूँ। और ये 2 से 3 मिनट हो गया और नीचे से अच्छे से फ्राई हो गया है, तो मैं इसे पलट ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्पून की मदद से पलट ले ताकि ये दिक्कत ना हो पलटने में, या फिर किसी भी छन्नी से आप पलट सकते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पे कांटे वाले स्पून से ही मतलब पलट ले रही हूँ ताकि आसानी से पलट जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए मैं इससे पलट ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से पलट ले जिससे पलटना है, और इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि ये काफ़ी क्रिस्पी बनके ये रेडी हो जाए। और ये लीजिए, 3 से 4 मिनट कंप्लीट होने ही वाला है, इसमें काफ़ी कलर भी आना स्टार्ट हो गया है। इसमें जल्दी कलर नहीं आता है जब तक ये क्रिस्पी नहीं करता, जब तक इसमें कलर नहीं आता। तो मैं यहाँ पे क्रिस्पी करीबन 3 से 4 मिनट हो गया है और इसमें कलर भी स्टार्ट हो गया है और ये क्रिस्पी काफ़ी क्रिस्पी बन के भी रेडी हुआ है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ करीब से ये कितना ज़्यादा लच्छेदार ये पकौड़ा बन के रेडी हुआ है। आप किसी भी गेस्ट को ये आसानी से खिला सकते हैं, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना कि फरमाइश करेंगे गेस्ट अगर हमेशा आने वाले होंगे ना, फिर वो बोलेंगे कि ज़्यादा कुछ मत बनाओ, बस यही बना दो। ये इजी भी है और टेस्टी भी है, इसे मार्केट से लाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप घर में हेल्दी तरीके से इसे बना कर रेडी कर सकते हैं। तो ये लीजिए, लच्छेदार आलू पकौड़ा बन के रेडी हो गया है। तो मैं इसे यहाँ पर ले ली हूँ एक छन्नी, और छन्नी में निकाल के रख ले रही हूँ सारे पकौड़े को। और ये लीजिए, जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो बाहर आ जाए, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पे प्रेस कर दे रही हूँ छन्नी को ताकि निकल जाए सारा ऑयल। और इसका सारा ऑयल निकल गया है, तो मैं अब ले रही हूँ एक प्लेट, और प्लेट में इसे रख दे रही हूँ थोड़ी देर के लिए जब तक कि ठंडा हो जाए। अभी गर्म है तो आप बच्चे को या बड़े को किसी को ना दे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और ये लीजिए, अगर आपको इसको थोड़ा और कलर डार्क करना है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और फ्राई कर ले। आप इसे जितना फ्राई करते हैं उतना इसमें कलर आएगा, कलर के साथ साथ क्रिस्पी भी बनके रेडी होगा। लेकिन मैं इसमें ज़्यादा कलर नहीं लाई हूँ क्योंकि इतना ये परफेक्ट है जितना होना चाहिए पकौड़े में। तो आप एक बार इस पोटैटो पकौड़ा को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको इतना ज़्यादा पसंद आएगा ना कि हफ्ते में 2 से 4 बार तो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ये सबका फेवरेट बन जाता है ये पकौड़ा। और आप इसे जिस चीज़ में सर्व करना चाहें आप कर सकते हैं, हर कुछ में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, चाय, चटनी, सॉस वगैरह किसी भी चीज़ में सर्व कर सकते हैं और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।